एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई और वो दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे। इस पर करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आया तो वो व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती हैं और सुनती हैं। देखते रहिए ग्रेट नेशन न्यूज़।